एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शॉपी का हेयर एसेसरीज का हॉल। तो जो मुझे जैसे प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, प्राइस के अकॉर्डिंग भी और नॉर्मली भी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो सारा सामान मैंने जो रखा हुआ है वो है इसमें, और इसके अंदर बहुत सारा सामान है, जितना भी है वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। सबसे फर्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 57 रुपीज़ का आइटम, जो कि है एक स्ट्रेटनर। बहुत ही क्यूट बॉक्स में रिसीव हुआ है, मतलब मुझे ये डब्बे वगैरह बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसको मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। और पता है ये नॉर्मल भी नहीं है यार, इस टाइप से ओपन होता है। अरे यार, नाखून के साथ ये सारी चीजें ना टारगेट है मेरा ओपन करना, सो इम्पॉसिबल यार। ओके, दुनिया में कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो गाइज, ये रहा स्ट्रेटनर, जो कि बहुत ही क्यूट सा है, मतलब मुझे लगा नहीं था इतना छोटा भी स्ट्रेटनर आता होगा। तो गाइज, ये है मिनी हेयर स्ट्रेटनर और 25 वॉट है और काफ़ी ज़्यादा छोटा है यार, काफ़ी क्यूट भी है। अगर ये वर्क करता है तो बहुत ही हैंडी रहेगा ये, कहीं पर भी अगर आपको सफ़र में जाना है और थोड़ा सा इशू होता है ना, हमें इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो जल्दी से मैं चेक कर बताती हूँ ये वर्क करता है या फिर नहीं करता है, क्योंकि 57 रुपीज़ में हेयर स्ट्रेटनर मिलना मतलब बहुत ही लक्की बात होगी। और एक चीज़ है, शॉपिंग में सामान बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है, बट गाइज मैं तो आपको यही बोलूँगी, अगर आप कुछ भी हेयर टूल यूज़ कर रहे हैं जो कि हीट होते हैं, तो आपको प्रोडक्शन के लिए हेयर सीरम वगैरह या फिर हेयर स्प्रे वगैरह आते हैं वो आपको अप्लाई करने चाहिए, उसके बाद ही आपको हेयर स्ट्रेटनर वगैरह लगाना चाहिए। अभी तो मैंने हेयर सीरम, मतलब मेरे बालों में तो हमेशा ही लगा रहता है, आई लव हेयर सीरम वगैरह। तो आप अपने हेयर सीरम लगाना, उसके बाद ही इसे अप्लाई करना, मतलब यूज करना टूल को। तो चलो मैं इसको फटाफट से ट्राई करके बताती हूँ ये चलता है या फिर नहीं चलता है। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने इसे स्विच में लगा दिया है और जैसा कि ये ऑन भी हो चुका है, और यहाँ पर एक ऑन ऑफ के लिए आपको ऑप्शन भी मिल जाता है, जिससे कि ऑफ हो गया है और ये ऑन हो गया है और ये हीट भी हो रहा है। ओ माय गॉड, लिटरली ये हीट हो रहा है। ओ माई गॉड, मैं आपको ना इससे स्टेट करके दिखाती हूँ, बट आई थिंक अब हीटनेस बढ़ती जा रही है तो हम इसे बंद कर लेते हैं, काफ़ी जल्दी हीट हो गया यार ये। तो मैं इससे स्टेट कर देखती हूँ बाल। उप्स, ओ माई गॉड गाइज, ये वर्क कर रहा है। ओ माई गॉड, मतलब ना मतलब मैं क्या बोलूँ। आप इसे परचेज कर लो, लिंक मैं दूंगी, आप इसे परचेज कर लो, बस एक बार चेक कर लेना कि आपका ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। लिटरली ये वर्क कर रहा है गाइस, 57 रुपीज़ में स्ट्रेटनर कौन दे रहा है। आप ना अपने हेयर प्रोटेक्शन के लिए स्प्रे वगैरह या फिर सीरम वगैरह यूज करना, बट इसे परचेज कर लो यार। माय गॉड, कितना सुंदर है ये और कितना क्यूट कलर है इसका, आप कलर देखो यार, ये वर्क कर रहा है, मुझे आई कांट बिलीव यार ये वर्क कर रहा है। मतलब मैं अपनी खुशी नहीं जाहिर कर सकती, मैं थोड़ी देर में वीडियो बनाती हूँ, तो गाइस आई एम बैक। अब मेरा मन कर रहा है थोड़ा सा ना इससे कर्ल करके देखने का, तो मैं अपने हेयर को ना जैसे करते नहीं है ऐसे करके, कुछ कैसे करके करते हैं यार वो लोग, कर्ल इस स्टेप से कुछ करके करते हैं ना, आई डोंट नो कैसे करते हैं, मैंने करा भी नहीं है कभी, बट मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, ट्राई करके देख लेते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई थिंक ऐसे ही करते हैं, मुझे करना भी नहीं आ रहा है यार। ओ माई गॉड, लुक एट दिस गाइस, मुझे नहीं करना आता है बट ये हुआ यार। वेट अ मिनट, मैं करके देखती हूँ, मुझे नहीं करना आता है ये बट ये हो रहा है। वेट अ मिनट, मैं और अच्छे से कोशिश करती हूँ करने की, आई थिंक होएगा मुझसे यार, मैं कर सकती हूँ। तो गाइस, मैंने ये कर्ल करा हुआ है यार, मुझसे नहीं हो रहा है बट इससे कर्ल हो रहा है, इससे सीरियसली कर्ल हो रहा है। आप अगर चाहें तो आप कर्ल कर सकते हैं इससे। तो गाइज, आपके सामने है, इससे कर्ल भी हो रहा है, मतलब आई जस्ट लव, मतलब मुझे ना प्यार हो गया इस प्रोडक्ट से। गाइज, कर्ल हो रहा है, स्ट्रेट हो रहे हैं, 57 रुपीज़ में जाकर परचेज कर लो, लिंक मैं दूंगी, आपको ओपन अप्लाई करना और परचेज कर लो, बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट है। वेट अ मिनट, बेल बजी है, अभी आती हूँ आप लोगों के पास। तो गाइज, आई एम बैक, मेरे हबी आए हुए थे, वो ऑफिस से आ गए हैं, तो मैं जल्दी से हॉल भी खत्म करती हूँ, बिकॉज यू नो ना कि इसके बाद मैं हबी के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, मैं बिल्कुल वीडियो वगैरह का काम नहीं करती हूँ। तो नेक्स्ट ये है, और इसके अंदर आई हैं हेयर क्लिप्स, ये रही वो क्लिप्स जो कि आई हैं 6, और मैं आपको इन्हें ओपन करके दिखाती हूँ। ये कुछ इस टाइप की होती हैं, अपने सारे हेयर इनमें डाल सकते हैं और उसके बाद आप इसे लॉक कर सकते हैं अपने हेयर पर। तो कुछ इस टाइप का इनका लुक होता है, और ये मुझे 6 रिसीव हुई हैं, बट इसमें एक इशू मुझे लगा, 119 रुपीज़ का ये क्वालिटी का आइटम नहीं है, बिकॉज इतनी भी अच्छी क्वालिटी नहीं है इनकी, आप देख सकते हैं।
जैसे उसमें दिख रहे थे ना उतने अच्छे नहीं है, प्लास्टिक की जो इसकी क्वालिटी है वो थोड़ी डाउन है, बट इनमें जब आप हेयर वगैरह अपने टाई करेंगे ना तो बहुत अच्छी लुक आएगी, आप लुक के अकॉर्डिंग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। बट गाइस जो ये प्रोडक्ट है ना ये आज के हॉल का मेरा सबसे बेस्ट वाला प्रोडक्ट होने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं पता था इससे हेयर कर्ल भी हो जाएंगे, हेयर स्ट्रेट भी हो जाएंगे, और अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट है, आप अपने हल्के से आगे के बाल कर्ल कर सकते हैं या फिर स्ट्रेट अगर आपको करने हैं थोड़े बहुत तो वो इससे ईजिली हो जाएंगे, और अच्छी क्वालिटी है, अच्छा प्रोडक्ट है। आप हेयर स्प्रे ज़रूर यूज करना अपनी प्रोटेक्शन के लिए, हेयर के लिए, और सीरम जरूर यूज करना। तो नेक्स्ट मैं आपके साथ कुछ स्क्रंचीज शेयर करने जा रही हूँ जिनका प्राइस मुझे मिला है 65 रुपीज़ का। तो ये रही स्क्रंचीज, तो क्वांटिटी मैं आपको इनकी बता देती हूँ कितनी है। ओके, 6 मुझे क्वांटिटी मिली है, और आई थिंक यही कलर्स में दिखाए थे या फिर डिफरेंट रिसीव हुए हैं वो मुझे ज़्यादा याद नहीं आ रहा है क्योंकि काफ़ी दिन पहले मंगाए थे मैंने। तो स्क्रंचीज आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की है, ये ना फर वाली क्वालिटी की स्क्रंची है, तो आप देख सकते हैं, और इसमें आपको एक ब्लू कलर मिल जाएगा और एक वाइट कलर है, और ये स्किन कलर है और एक ग्रे कलर है। तो बैंड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और 65 रुपीज़ की है ये, आई थिंक यही रेट मैंने आपको बताया था, हाँ 65 रुपीज़ की ये है, तो उस हिसाब से काफ़ी सही है, 6 आपको मिल जा रही हैं, और अगर आप 12 रुपये 11 रुपये भी लगाएंगे, 11 रुपये लगा पाएंगे, 12 ज़्यादा हो जाएगा, 11 रुपये की भी लगाएंगे तो 11 रुपये की स्क्रंची कहीं नहीं मिलती है यार, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी सही है इनका प्राइस। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं ये 6 स्क्रंचीज का कॉम्बो परचेस कर सकते हैं 65 रुपीज़ में, कूपन लगाइए, डिस्काउंट लीजिए यार, कॉइन वगैरह यूज करिए, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट मैंने मंगाई हुई है वो है ये क्लिप्स, और इनका प्राइस है 74 रुपीज़। तो 74 रुपीज़ की मुझे मिली हैं, और कितनी क्लिप हैं मैं आपको देख के बता देती हूँ, 6 क्लिप हैं 74 रुपीज़ की, तो बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको शॉपिंग में सामान मिल जाएगा यार। तो आप इनकी क्वालिटी भी देख सकते हो, लुक एट दिस। तो गाइज आप क्वालिटी देखिए, क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर आप और ऐप से भी चीज़ें परचेज करोगे ना तो सेम क्वालिटी की ही मिलेंगी, और ये 6 क्लिप मुझे इतनी रिजनेबल प्राइस में मिली है, इसका प्राइस मैं फिर से बोल रही हूँ 74 रुपीज़। तो आप क्वालिटी देखिए पहले, तो अगर आपको हेयर वगैरह ओपन रखना अपना पसंद है तो इस टाइप की आप क्लिप लगा सकते हैं साइड में से, हेयर के इस तरीके से लॉक होती है, जस्ट आप ऐसे ओपन कर लीजिए और ये लॉक हो जाएगी, तो ऐसे फंसाने का भी नहीं है कि बाल खींच के आपके आ जाएंगे, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, जस्ट आपको हेयर पर ऐसे से रखना है और इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। अभी मेरे नेल्स लगे हैं तो मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ये फिक्स हो जाएगी, तो हेयर भी टूटकर नहीं आएंगे इसे निकालते वक्त और ना लगाते वक्त दिक्कत होगा। तो काफ़ी अच्छी क्लिप है ये, और 74 रुपीज़ में सही है यार, मेरे हिसाब से तो बहुत ही सही है। नेक्स्ट अब मेरे पास है, अच्छा ये हेयर कॉम्ब है, ये कॉम्बो था हेयर कॉम्ब्स का, और एक मिनट एक और आई है जो कि अलग से है, और ये मुझे मिली है 16 रुपये की। इसका रियल प्राइस अब मुझे अभी याद नहीं है कितना था, बट ये डिस्काउंट में मुझे 16 रुपये की मिली है, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं बहुत सारी कॉम्ब है, आपको मैं ओपन करके गिन के बताती हूँ कितनी कॉम्ब मुझे रिसीव हुई हैं। तो गाइज मुझे 6 कॉम्ब टोटल रिसीव हुई हैं इसमें, और मुझे जस्ट ये मंगानी थी, मुझे देखना था ऐसा भी मतलब सामान आता है कि यार 16 रुपये में इतनी सारी कॉम्ब आ रही हैं, तो मुझे जस्ट चेक करना था। तो आप देख सकते हैं 5 कॉम्ब ये वाली दी है और 1 कॉम्ब ये अलग से कलर की दी है, डॉट नो क्यों दी है, बट ये कॉम्ब भी मुझे रिसीव हुई है, तो 6 कॉम्ब आपको 16 रुपये की मिल जा रही हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है यार। तो बहुत ही जैकपॉट वाली चीज़ है ये 6 कॉम्ब मिल जाना। अब ये लास्ट प्रोडक्ट है और इसका प्राइस है 31 रुपीज़, काफ़ी रीजनेबल है। यही चीज़ मैंने फ्लिपकार्ट से भी मंगाई थी, आप सभी को पता होगा जिन्होंने मेरे पुराने हॉल देखे होंगे उन्होंने देखा होगा, 100 समथिंग रुपीज़ का मैंने एक हेयर बैंड मंगाया था, और ये मुझे 31 रुपीज़ में 2 हेयर बैंड रिसीव हुए हैं जिनमें आप अपने हेयर को ना इस तरीके से क्लिप लगा सकते हैं, लुक एट दिस इस तरीके से, और क्वालिटी अच्छी है यार, क्वालिटी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि काफ़ी डाउन है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप खुद भी देख सकते हैं। और ये 2 का कॉम्बो मुझे मिला है 31 रुपीज़ का, तो अगर आपको पसंद आ रहे हैं प्रोडक्ट, वैसे मैं सभी के ना लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बट जिसका मुझे नहीं मिलेगा तो मैं नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगी, बट जिनका मिलेगा मैं डेफिनेटली प्रोवाइड कर दूंगी। तो बस गाइज यही थे आज की वीडियो, आई थिंक आप लोगों को ये हॉल पसंद आया होगा, सबसे फेवरेट प्रोडक्ट मेरा ये है, तो आप भी इसको परचेस कर लेना, आई थिंक 100 रुपीज़ समथिंग आपको इसका प्राइस अभी दिखेगा स्क्रीन पर, मतलब जो आप ऐप पर जाकर शॉपिंग करेंगे, बट जब आप इसमें कूपन वगैरह लगाएंगे ना तो एक काफ़ी रीजनेबल प्राइस में आपको मिलेगा, तो आप कूपन वगैरह यूज करिए और डिस्काउंट लीजिए। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी, जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, और मेरे शॉपिंग के और बाकी के सारे हॉल्स भी देख लीजिए, आपको काफ़ी रीजनेबल प्राइस में चीज़ें देखने को मिलेंगी, बाय।